गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्ण टू ऑल। होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। एक्चुअली टुडे द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। और हमने नाइन्थ का ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर चुके हैं, इफ यू नो, जो हमने एसिड बेस एंड सॉलिड पढ़ा था, दैट वाज फ्रॉम द नाइन्थ। सो ऑलरेडी नाइन्थ में टोटल चार चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ऑब्वियसली नाइन्थ बी का तो बहुत कुछ हुआ है। सो यस, गुड मॉर्निंग। सो आज दिस इज द लास्ट डे। After this, we'll start ninth में मैं शुरू करना चाहता हूँ कार्बन एंड कंपाउंड, नहीं तो सबस्टेंस इन कॉमन यूज, जो नाइन्थ बी का शायद रह गया था, तो उनका भी वो कम्प्लीट हो जाएगा, तो उनका वो पूरा सिलेबस ही कम्प्लीट हो जाएगा नाइन्थ बी का। एंड इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है उसमें, NaCl ये जो भी हम अभी पढ़ ही रहे हैं, that all everything is there also in it. We have done it half. Substances common use you are speaking about, Radharani? Yes, so we'll complete it, don't worry, we'll complete that only. From starting, we'll do it and we'll complete it. Okay, so as we were discussing a lot of things, we have discussed kiye the pichli baar bhi. Now, can someone tell me, hum kahan pe the last time, where we were, exactly where we stopped? I remember I was teaching you about the types of solutions. Last time, where were we? Can someone फटाफट मुझे बताओ? Please open your notebook. फटाफट tell me कहाँ पे थे हम last, where we have left. I don't remember. You have tell me. What we are discussing. So one more thing I want to tell you, whatever I am displacing here, don't try to write notes here. Valency beta, वो तो बहुत पुराना हो गया। Valency आपको confused हो रहा है, वो तो revision में पढ़ रहे हैं हम। आज आपका revision नहीं है, हम actually आपका, you know, we are studying 9th standard, completed with solutions, yes, Radharani part. So that's the reason, आपका notebook separate maintain करो, और when you are entering class, you should know which class you are entering. This is not right now your revision class. Revision class में मैं valency उसे पढ़ा रहा था, वो तो वो भी खत्म हो गया actually. Now what we are discussing is about your, we are completing our 8th today, and now next 9 different types of binary solutions. Very good, Sharvari. So that's the reason aap notes properly maintain karo. Aur aaj se main kya kar raha hu, I don't want all of you to write it with me. Don't write anything. Bas aapke aankh aur kaan khulle rakho, suno dhyan se, padho mere saath, samjho isko. Haan, pointers likh sakte hain aap, koi koi jo important points main bata raha hu. डोंट ट्राई टू राइट विद मी, वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है हमारा प्रोसेस, नहीं तो हमारा ये चैप्टर कब का कंप्लीट हो जाता है। हाँ, आप बोलेंगे सर फिर हम कैसे लिखेंगे नोट्स। मैं जितना भी अभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा या जो भी लिखूंगा इधर, क्योंकि मैं हर एक चीज टाइप कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे नोट्स मिले, आप अच्छी तरह उसको एज याद कर सके, यार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक सेंटेंस ये सब नहीं होना चाहिए। और ये एज इट इज आपको मैं एज ए बैकपैक प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। तो इस लेक्चर के बाद वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप वहां से आराम से नोट्स बनाओ, तो हमारा टाइम भी बच गया, और आपको बिल्कुल सिर्फ ध्यान देना है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान से, बस जब जैसे एक मिनट रह जाएगा हमारी क्लास को, मुझे याद दिला देना, रिमाइंडर देना, उस समय मैं सर सेंड इट ऑन ग्रुप, ग्रुप पे नहीं, मैं यहाँ पे बैकपैक में रखूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड इधर ही रहेगा फिर आपके बैकपैक में। आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू एसेस योर बैकपैक, इफ यू डोंट नो प्लीज कंसल्ट अदर स्टूडेंट्स हु नो इट, सो यू शुड नो अबाउट द ऐप नाउ, इतने दिन हो गए आप यूज कर रहे हैं, तो बैकपैक में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। सो यस सर, वी नो, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली आई रिमेंबर, मैंने आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, मैंने आपको बोला था देयर आर अराउंड 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मैंने मतलब आपको समझाया था। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली 2 थिंग्स, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्यूशन, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट वन सॉल्यूशन इज देयर एंड देयर आर 2-3 सॉल्यूट्स। So binary means only 2 components are involved. One solution is there and one solute is there. That's what our discussion is right now is happening on that. So now then the interesting point of the jo discussion mein aaya tha hamara, there are 9 types of binary solutions. Generally, jab solution hamare dimag mein aata hai, to hum sochte hain pani,
you know, something is mixed with water and that will form solution. No, there are solutions. First, solid solutions are there. So obviously, I will tell you every example with examples. We'll study it. You don't have to worry about anything. So there are something known as solid solutions. So in these solid solutions, what's happening actually? Solid solution. In these solutions, solid act as a solvent, while as the solute act as a either as a solid, liquid or gas. आप समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है? Solid solution में जो आपका solution है, solid acts as a solution. जैसे I hope you know what exactly I am speaking about. Solvent. Solid acts as a solvent. मतलब अच्छा चलो मुझे example बताओ. मुझे बताओ अगर मैं नमक पानी में मिलाऊंगा तो इसमें सोल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है फटाफट आंसर दो आंसर दो फटाफट सॉल्ट इज अदिति सिंह सॉल्ट इज सॉल्वेंट ओके अदर स्टूडेंट्स सॉल्ट इज सोल्यूट वाटर इज सॉल्वेंट और बाकी बच्चे सल्यूट इज सॉल्ट सॉल्ट इज सल्यूट राधिका वाटर इज सॉल्वेंट सॉल्ट इज सल्यूट हाँ नित्या इज सॉल्ट इज सल्यूट वेरी गुड तो सिंपल है जिन्होंने भी ये आंसर दिया है जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व कर रहे हैं हम किसी में पानी में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं देखिए इस पॉइंट जहां हम अभी पढ़ रहे हैं ना आपको ये कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए सॉल्ट के सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के अगर आपको इसमें डाउट है ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भी आगे इसलिए पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए सॉल्वेंट वो हो गया जो बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है जैसे जो पानी है वो एक क्या है वो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है देखो ना सॉल्यूट का स्पेलिंग छोटा है सॉल्वेंट का बड़ा है मतलब सॉल्वेंट का क्वांटिटी बड़ा होना चाहिए नो यू कैन जस्ट मेमोराइज दैट सॉल्ट इज सॉल्यूशन व्हाट द हेल पार्थ क्या लिख रही है प्रार्थना सॉल्ट तुम तो एक अलग ही एंगल चलेगी कुछ सॉल्ट इज सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे हो गया प्रार्थना योर आंसर इज हॉरिबली रॉन्ग Like I'm shocked how you gave this answer also. Anyways, at least you tried. But again, I'm telling you again, clarify your concepts. Don't doubt me. Mat aao. Because if I'm going to teach you these things, these are not in your textbook. But let's have crystal clear understanding about what is solution, what is this. I mean, this day-to-day life, mein aap dekh rahe hain, aaju-baaju, aapke life. So you should know all these things. I'm again repeating. Solute is something which is small. Solvent is something big. जिसके अंदर मिक्स किया जाता है सॉल्यूट को जैसे अगर वाटर ले रहा हूं मैं वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज ए सॉल्यूट उसको दोनों को मिक्स करके फिर उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं दैट इज व्हाट इज सॉल्यूशन देन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं देयर इज ए सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट आपको समझ गया सॉलिड एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट नाउ एंड सॉल्यूट इज कैन एक्ट एज ए सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है नो लाइक व्हेन मे आई टेक एग्जांपल्स यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस में सबसे पहले आता है एग्जांपल ऑफ आई होप इफ यू कैन गैस इज अलॉयज अलॉय क्या है एक्चुअली अलॉय अगर आप देखेंगे अलॉयज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड है ना इन सॉलिड सॉल्यूशंस सो इनफैक्ट अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन ये एक सॉल्यूशन है लेकिन ये सॉलिड के अंदर सॉलिड ही सॉल्यूट है सॉलिड ही सॉल्वेंट भी है तो ऑल द कंपोनेंट ऑफ अलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड आप बोलेंगे अरे सर लेकिन हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते वो तो है लेकिन हम क्या कर सकते हैं हम इसके कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं अगर आपने देखा होगा अलॉय में क्या होता है हम उसके कंपोजिशन को वेरी करते हैं वी कैन एक्चुअली Change the percentage. So, although the components of alloy
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. लेकिन अगर आप डिफिनेशन देखेंगे, हमारा डिफिनेशन क्या था, हम उसके कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं. बट अलॉय इज कंसिडर्ड टू बी द मिक्सचर. व्हाई? बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. इसके कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं. यहां तक समझा आपको? हाँ, वेरी गुड. अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. कैन यू रिपीट? हाँ अदिति, मैं बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ. अभी जब मैं एग्जाम्पल आपको दिखूंगा तो आप इमीडिएटली बोलेंगे हाँ सर ये तो हो सकता है. देखो बच्चों, इसलिए मैं बोलता हूँ, जब आप क्लास में आते हो ना, रिवाइज करके आओ. आप बस उठ के आ जाते हो, हाँ आज लाइव क्लास है तो चलो आज लाइव क्लास. अरे पढ़ के आओ ना, पढ़ के आओगे तो हमारा भी, आपका भी टाइम बचेगा और हम फटाफट सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. आप लोग पढ़ के नहीं आते. देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास कैन वेरी फ्रॉम 20-30%, वाइल दैट ऑफ कॉपर कैन वेरी फ्रॉम 65-80%. तो मतलब जो इसका आपका सोल्यूट है वो वेरी कर सकता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सिंपल सोल्यूशन का, क्या दिया था हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का. मैंने वाटर लिया और उसमें NaCl मैं ज्यादा थोड़ा कम या कुछ भी वेरी कर सकता हूँ. नहीं तो लेमोनॉड का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपको याद है, नमक चीनी, हमने चार कंपोनेंट यूज किए थे, वाटर यूज किया था, शुगर यूज किया था, सॉल्ट किया था. तो ये हम चारों को वेरी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपका चीनी ज्यादा हो गया तो वो नींबू पानी नहीं रहा. ऐसा नहीं, नींबू पानी रहा, वो थोड़ा स्वीट ज्यादा हो जाएगा अभी क्योंकि आपने उसमें ये ज्यादा डाल दिया. तो मतलब आप उसके कंपोनेंट को वेरी कर सकते हैं और वो इफेक्ट करेगा पूरे सॉल्यूशन को. हाँ यस शर्वरी, तो मैंने अगर सॉल्ट कम डाला तो आपको कम नमक लगेगा, लेकिन उसको नींबू पानी ही बोलूंगा मैं. उसके जो कंपोनेंट्स को उसको मैं वेरी कर सकता हूँ और वो जो वेरी करूंगा वो इफेक्ट करेगा पूरे सॉल्यूशन के ऊपर. उसको ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना. तो इधर भी वही हो रहा है अगर आप देखेंगे. जबकि एलॉय है, इसमें सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है, दोनों सॉलिड ही है. कैसे? एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्लियरली दिया, जो हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास, ये क्या एलॉय है. एलॉय कैसे बनता है, जो अमाउंट ऑफ जिंक इन ब्रास क्या होता है, वो वेरी करता है. और हमारा ब्रास बनता है किससे, आपका जिंक और कॉपर से बनता है. तो उसमें वेरी कर सकते हैं, जो जिंक में ब्रास और कॉपर की जो मात्रा है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं. 20-30% डाल सकते हैं, नहीं तो उसको 60-80% डाल सकते हैं. तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस. सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. आई होप दैट एग्जांपल यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट एग्जांपल. दिस एग्जांपल इज फ्रॉम गोल्ड. जो प्योर गोल्ड है ना, जिसे हम ज्वेलरी बनाते हैं, एक्चुअली उससे आप कुछ नहीं बना सकते. जो 24 कैरेट गोल्ड रहता है, 24 कैरेट ऑफ गोल्ड जो है, इट इज वेरी सॉफ्ट, इसलिए उससे आप कुछ ज्वेलरी नहीं बना सकते. एंड देयरफॉर नो सूटेबल ज्वेलरी कैन बी मेकिंग ज्वेलरी. इसलिए अगर आपको ज्वेलरी बनाना है, टू मेक इट हार्ड, इट इज अलॉयड विथ आइदर कॉपर के साथ उसको अलॉय करवाते हैं, नहीं तो और सिल्वर. इन जनरली इन इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में हम 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. उसका क्या मतलब होगा, 22, उसका मतलब होगा दैट मींस दैट 22 पार्ट्स वेट ऑफ प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ वेट बाय वेट ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर. तो ये भी देखो, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका सॉलिड में ही हो गया ना. इसमें गोल्ड क्या एक्ट कर रहा है, आपका जो एक्चुअल गोल्ड है वो एक सॉल्वेंट है, और जो माइनर उसके अंदर आप डाल रहे हैं वो सॉल्यूट एक्ट करेगा, या आप सिल्वर ऐड करेंगे नहीं तो कॉपर ऐड करेंगे. तो दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, बट इट इज ए सॉलिड सॉल्यूशन एंड यू कैन एक्चुअली वेरी. आप 22 कैरेट का गोल्ड के बदले 20 कैरेट भी ले सकते हैं, समझे आप. तो दिस इज हाउ. हाँ आयुष हैज रेज्ड हिज हैंड. यस आयुष पाटिल, बोलो क्या आप डाउट है वो फटाफट रिप्लाई करो, नहीं तो आई विल मूव अहेड. ओके देन नेक्स्ट. मिस्टेक से क्यों मिस्टेक कर रहे हो, अलाउड नहीं है मिस्टेक से भी मिस्टेक करना, फोकस रहो. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम मेटल्स को भी कर सकते हैं, नॉन मेटल्स कर सकते हैं. तो मेटल के अंदर नॉन मेटल भी हम डाल सकते हैं. उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका जो एलॉय है, किसका, मेटल का एलॉय, हमारा स्टील. उसमें नॉन मेटल क्या है, इज ए स्टील. उसमें क्या, इट इज एलॉय ऑफ आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ
कार्बन, जो 0.05% ऑफ कार्बन जो नॉन मेटल है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आता है किसमें हमारे, दिस ऑल्सो कम्स एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन बेसिकली। इसमें अलॉय हमने लिया एग्जाम्पल। नाउ देर इज सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बोला था अभी, सॉलिड में क्या, सॉलिड का हमने एग्जाम्पल सॉलिड में ले लिया, अभी सॉलिड का एग्जाम्पल लिक्विड में भी हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नाउ जस्ट एक मोर एग्जाम्पल, नाउ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज अबाउट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। अभी हाइड्रेटेड सॉल्ट में मुझे बताओ, हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होगा, वो सोल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा, फटाफट रिप्लाई करो। देखो बच्चों, अगर आप रिवाइज करके आओगे ना, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोग पढ़ के नहीं आते इसलिए आप यहाँ पे एकदम फिर समझ सोचो पढ़ रहे हो क्या चल रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी क्लास आप आए, प्लीज पीछे के नोट्स रेफर करो अच्छी तरह, उसको मतलब लिटरली याद करो, और कुछ डाउट है मुझे पूछो। देखो ये मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको, मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसमें वाटर जो है क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टल फॉर्म में है वो सोल्यूट है कि सॉल्वेंट बोलूंगा उसको मैं। क्या बोलूंगा मैं उसको, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, इट इज सोल्यूट। हाँ, और शर्वरी ने बोला सोल्यूट, और किसी को कुछ कुछ बोलना है, बाकी किस भगवान के नाम पे, बाकी आयुष सोल्यूट, और बाकी लोग, बाकी लोग देखो गलत भी हो सकता है उसका, बस एक ने आंसर दिया मतलब नहीं वो सही है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसको हम ब्लू विट्राइल भी बोलते हैं, फिर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, इसको हम ग्रीन विट्राइल भी बोलते हैं, फिर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम देयर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड सॉल्यूशंस। इसके एग्जाम्पल्स है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। यस बेटा, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्वियसली जो क्रिस्टल है, जो जिनको आंसर अभी भी समझ नहीं आ रही है चीज, हम क्या चल रहा है, ये चल रहा है बेटा सोल्यूशन। और आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आ रहे, कि नहीं तो ये इतना डिटेल में मैंने आपको सोल्यूशन पढ़ाया था पिछली बार, आपने बुक ही नहीं खोली किसी ने, तो अब आप बुक नहीं खोलेंगे ना तो ऐसा ही होगा, फिर आप सोचेंगे चल यार चल क्या रहा है। फटाफट ऑनेस्टली मुझे बताओ कौन कौन पढ़ के आया था, जो पढ़ के आया था उस टाइप करो स्टडी, और जिसने नहीं पढ़ाई किया वो लिखो नो स्टडी। चिराग आप मेरे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मेरे वीडियो को फटाफट लिखो कौन कौन पढ़ के आया, फटाफट वो टाइप करो स्टडी जो पढ़ के आए थे। ऑनेस्टली बोलोगे, मैं क्यों बोलूं नो स्टडी नो स्टडी। देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए मैं आपको पिछली बार एक स्टोरी भी शेयर किया था, मैंने आपको बोला था ना सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना है, सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। अभी आप पढ़ के नहीं आएंगे ना तो आपको ये क्लास लिटरली समझ नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक चीज कनेक्टेड है, और मैं पीछे का वापस रिवाइज नहीं करा सकता ना, हर एक क्लास में भी पुराना पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट पढ़ेंगे कहाँ, हमारा चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा। देखो आप में से कोई भी पढ़ के नहीं आया, और है क्या, कुछ भी नहीं था, दो हार्डली तीन या चार पेजेस हैं जो आपको पढ़ने थे, एक वीक है आपके पास, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पढ़िए, नहीं तो मैं क्या, मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है ना वो पढ़ाऊं, मुझे क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इतना आपको डिटेल, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है।
मैं चाहता हूँ आपको एक नॉलेज रहे आज आपकी आजू बाजू चीज का क्या है। कल मैं एक टेस्ट देने गया था, बीएड का एग्जाम देने गया था। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, बीएड का एग्जाम देने गया था मैं कल, सीईटी बीएड का था। वहां पे यही क्वेश्चन थे सब। मतलब मैं अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ा होता, मैंने अपने और मेरे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी थे उधर, तो मैं बोला हैरान हो गया। मैं कह रही इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे इसने। मतलब आप सोचो, अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो कल कुछ एग्जाम होगा तो आपको ही फायदा होगा ना। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब पढ़ाई करके आइए, नहीं तो ये सब सर के ऊपर से जाने वाला। क्योंकि ये बहुत कुछ बहुत बहुत ज्यादा एनालिसिस करके मैं आपको दे रहा हूँ ये सब चीजें। नहीं तो मुझे क्या, मैं आपको सोल्यूशन बता दिया था खत्म, उतना काफी था आपको। फिर मैं डायरेक्ट कोलाइड बढ़ाता हूँ, सस्पेंशन बढ़ाता हूँ, ये सब मैं एग्जाम्पल देने का जरूरत ही नहीं है मुझे। ये आपके आपको क्लियरिटी आना चाहिए चीजों के लिए, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और अगर आप लोग नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर मुझे जरूरत नहीं है ये सब, इतना सब मेहनत करते बैठो, टाइप करते बैठो हर एक चीज को। आप लोग पढ़ के आएंगे नेक्स्ट टाइम तो लिखो, सर वी विल स्टडी। कुछ नहीं है, यही पढ़ के आओ तो वो बहुत हो गया आपके लिए। देखो बच्चों, मैं चाहता हूँ जब मैं पूछ रहा हूँ आप आंसर दो ना, मुझे मालूम है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पूछा कि अभी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, फट से आंसर आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप क्योंकि पीछे पढ़ के ही नहीं आए हैं तो इसलिए आपको अभी समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा हूँ मैं। तो उससे क्या हो जाता है, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। बोला अरे इनको इतने डिटेल में पढ़ा है मैंने, इनको तो डाउट ही नहीं होना चाहिए सॉल्यूट के सॉल्वेंट के, फिर भी आप यहाँ पे नहीं बोल, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं कुछ। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, बता हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जनरली हम कह रहे हैं दिमाग में आइडिया में, जो सॉल्यूट है वो गैस हो सकता है और सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकते हैं। अभी सॉल्यूट सॉलिड इन सॉलिड हमने ऑलरेडी देख लिया, जब सॉल्वेंट भी सॉलिड है वो एलॉय का एग्जांपल देखा हमने, हमने फिर गोल्ड का एग्जांपल देखा, हमने मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल देखा। अभी ये जो दूसरा एग्जांपल मैं देख रहा हूँ ना, ये क्या है, ये सॉलिड है। आप जो मेन सॉल्यूट है वो सॉलिड है, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है। सॉलिड एंड सॉलिड हमने डिस्कस कर लिया, अभी हम सॉलिड लिक्विड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है, लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है। अभी तीसरा एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर आपका जो गैस है वो क्या है, वो एज ए सॉल्वेंट है, गैस एज ए सॉल्यूट है। सो लेट्स सी दोज एग्जांपल्स आल्सो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो हम कभी सोचते नहीं ना, ये सब एकदम आउट ऑफ चीजें हैं कि यार ये भी सोल्यूशन हो सकता। देखो ये भी है, गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ निकल पैलेडियम आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। तो तीन टाइप के अभी आते हैं एग्जांपल्स, देखें सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस। हाँ तो वेरी गुड, सो लेट्स मूव अहेड। नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी लिक्विड सॉल्यूशंस क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन आपका जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट रहेगा, व्हाइल एज सॉल्यूट जो है वो कैसा हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सो नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन खत्म हो गया, नाउ वी विल सी लिक्विड सॉल्यूशंस। दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, इन लिक्विड सॉल्यूशन ए लिक्विड इज ए सॉल्वेंट, व्हाइल सॉल्यूट कैन आइदर बी ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस। वी विल सी सम एग्जांपल्स नाउ, वी विल सी सम एग्जांपल, कौन कौन से एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहला जो एग्जांपल है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये कॉमन एग्जांपल है। मतलब ये सबको हमको मना, यही तो सोल्यूशन है ना, ये तो इमीडिएटली आपको क्लिक भी हो गया होगा। सोल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर क्या है, सॉलिड है, इन वाटर, इन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी दूसरा एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ, अगर आप लेंगे अभी लिक्विड इन लिक्विड, और ये एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्चुअली बता चुका हूं।
सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल भी लिक्विड है वाटर भी लिक्विड है, तो वो क्या है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है। अभी आप बोलेंगे अच्छा मुझे अभी आप लोग आपसे पूछूंगा मैं, अभी मुझे एग्जाम्पल दो तीसरा वाला, तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, लिक्विड क्या है सोल्यूट अपना सॉल्वेंट है और जो गैस है वो सोल्यूट है वो कम मात्रा में, कोई बता सकता है मुझे एक्स का एग्जाम्पल? और मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप लोग ये पीते रोज पीते होंगे, यू नो कभी भी शॉप पे जाएंगे इधर उधर ये अवेलेबल हर जगह दिखती हैं चीजें, थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे भी छोटे से छोटे छोटे दिमाग में जल्दी निकल जाएगा क्या आंसर है इसका। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड आपका मेन है जो सॉल्व ये आपका सॉल्वेंट है, गैस सोल्यूट है छोटा मात्रा में। देखो H2O के अंदर वो तो एज ए लिक्विड ही हो गया ना, वो सॉल्वेंट ही हो गया, लेकिन उसमें सोल्यूट क्या है आप समझ रहे हैं, सोल्यूट भी होना चाहिए ना, तभी वो मेरा एग्जाम्पल बनेगा लिक्विड सोल्यूशन का। ऑक्सीजन वाटर नहीं बेटा, वो ऑक्सीजन वाटर ऐसा आप बोल बोल तो ना सकते, ऑक्सीजन अलग थोड़ा ना वाटर में, वो तो सेम ही है ना। यस राधिका वेरी गुड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड तो है ही और उसमें एरिएटेड डाला जाता है, एरिएटेड आपका ड्रिंक्स रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, तो जब आप खोलते हैं तो निकलता है हाँ कोका कोला सोडा, वेरी गुड। सो दिस इज दैट, दीज आर द एग्जाम्पल एरिएटेड ड्रिंक्स सोडा, वेरी गुड। देखा कैसे अभी आंसर देना वो समझ रहे, दिमाग लगा रहे हैं यार। तो देखो आप लोगों को भी मजा आएगा आप पढ़ के आओगे तो, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे बोले क्या ये सर पढ़ा रहे हैं स्लू स्लू, ये सब डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं सब जो ले रहे हैं लोग। तो भी आप जब आप ये सब ऑब्वियसली ये सब पीना नहीं चाहिए, सब जहरी है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल के लिए क्यों जहर है वो हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कॉमन सब्सटेंस 9th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, सब्सटेंस इन कॉमन यूज, कैसे इसमें कलर्स यूज किए जाते हैं, यू नो ऑल दिस कोका कोला पेप्सी ये सब में कलर्स यूज किए जाते हैं, दैट कलर एक्चुअली द कॉज ऑफ कैंसर, वेरी डेंजरस थिंग। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो एरिएटेड रहता है, एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर कोका कोला पेप्सी लिम का जो भी है आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, ये कंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, वेरी गुड। सो लेट्स मूव हेड, यहां तक क्लियर है सबको तो प्लीज टाइप क्लियर। Now we'll see last example, which is gas solutions. Now let's study about the gas solutions. Gas solution क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? Gas जो आपका gas है that acts as a solvent. While as solute can be either solid, liquid and gas. This is the third thing we are discussing as a gas solution. सबसे पहला इसमें अगर आप example देंगे, gas is a solvent while as solute can be either both. तो इसमें हम example लेंगे सबसे पहले camphor का, कैम्फर जो रहता है, कैम्फर इन एयर एंड आयोडीन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। कैम्फर और आयोडीन जो है सॉलिड इन सॉल्यूट व्हाइल एज एयर इज गैस, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है इसका, डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाते हैं किधर से, सॉलिड से गैस, दैट इज द रीजन कैम्फर इन एयर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, और कैम्फर एंड आयोडीन बोथ acts as a solute while as the air which is gas acts as a solvent. And second example which we want to see, is cloud, fog, mist. They are examples of liquid in gas solution. These are water droplets act as a liquid solute and dispersed in air act as a gas solvent. और दूसरा अगर आप गैस का गैस देखेंगे वो क्या है, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट इज गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस,
दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल सिंपल है, जो आपका एटमोसफेयर है एयर, एयर इज वॉट सीओ टू नहीं बेटा, आप सीओ टू एक एक गैस कैसे आएगा, बहुत सारा गैस होना चाहिए ना। एग्जाम्पल एयर मिक्सचर ऑफ गैस, तो इधर एयर क्या है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, सो इसके बेसिकली इट हैज टू मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और जो अदर गैसेज हैं इसमें विच इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैसेज, वो बहुत ही कम मात्रा में, ये जो कम मात्रा में जो गैसेज हैं ये एक्ट करती हैं क्या सोल्यूट, और यहाँ नाइट्रोजन गैस एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट, और वाइल एज अदर गैसेज एक्ट एज ए सोल्यूट। ये एग्जाम्पल समझ आई आपको, फटाफट बताओ ये समझ आई आपको, गैस का गैस में किसी को डाउट है इसमें? वेरी गुड, तो लेट्स समराइज होल ऑल ऑफ दिस इन पूरा चार्ट बनाया कहीं का, सो दिस इज द होल चार्ट, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। द नाइन बाइनरी सॉल्यूशंस जो हमने डिस्कस किया, पहला सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ऑल ऑफ यू कैन रीड इट, यस दिस इज जस्ट टू समराइज थिंग्स जो हमने डिस्कस किया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस, फिर उसमें सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, फिर सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस, वो सब एग्जांपल दिया, यहाँ सॉल्यूट क्या है, यहाँ सॉल्वेंट क्या है, उसका एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस किया इज ऑल समराइज्ड हियर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट व्हाट इज सस्पेंशन। नाउ टू टॉपिक्स आर व्हिच इज रिमेनिंग, इज फर्स्ट इज व्हाट इज सस्पेंशन, टॉपिक इज व्हाट इज सस्पेंशन, that is what now we are going to see. Suspension aakhir hai kya? So this is the definition of suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. Isme kya kiya jata hai, in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. All the particles of suspensions are visible to the naked eye. Solution हमने देख लिया, mixture हमने example, अभी एक नया चीज है, वो जो solution हो गया, that is, now in after solution there are three things, एक solution हो गया, true solution, solution को हम true solution भी बोलते हैं, क्योंकि वो, उसको आप mix अलग नहीं कर सकते किसी तरह से, तो सॉल्यूशन के बाद आती है सेकंड कंसेप्ट विच इज अबाउट सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जैसे एग्जांपल दिया राधा रानी सैंड एंड वाटर, यस परफेक्ट एग्जांपल, वो सस्पेंडेड रहते थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, और दीज पार्टिकल्स एक्चुअली आर विजिबल टू द नेकेड आईज। So let us see some examples ताकि आपको और clarity है. Hope all of you are following. अगर आप मुझे follow कर रहे हैं तो समझ आ रहा है, please type follow. जहां नहीं समझ आ रहा है मुझे रुको बोलो सर, can you repeat or whatever you. ऐसा नहीं हो गाड़ी आगे निकल जाए आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ. Now, this is something interesting. इनके जो examples हैं, पहला example है paint are suspension color substances in water. जो paint आप use करते हैं ना, वो भी suspension है. Milk of magnesia is a suspension of magnesium, you know, hydroxide in water. Lime water used for whitewash is a suspension of calcium hydroxide. और ब्लीचिंग पाउडर इन वाटर इज ऑल्सो ए सस्पेंशन, क्यों, क्योंकि सिंस ब्लीचिंग पाउडर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज़ इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर,
देयर आर द रीजन इट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी. हाँ, सस्पेंशन ऑफ फ्लोर मिक्स्ड इन ग्लास ऑफ वाटर शोइंग कैंडल फ्लो. अभी आई वांट टू राइट फॉलोइंग मिस्टेक्स आई विल. अभी देखो अदिति, देखो तुमने क्या एग्जांपल दिया, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन. हाँ मैं समझाता हूँ वापस. अभी अदिति तुमने मुझे एग्जांपल दिया, सस्पेंशन ऑफ फ्लोर मिक्स्ड इन वाटर इज ए शोन ए टैंडल इफेक्ट. आपको मालूम है व्हाट इज टैंडल इफेक्ट? अदिति फटाफट बताओ मुझे, इफ यू नो टेल मी येस और नो. Do you know what is Tyndall effect? तो इसलिए कभी भी गूगल पे जाके फटाफट आप देख तो लिए, लेकिन आपको Tyndall effect मालूम नहीं है. सो डोंट डू दिस. जितना आपको मालूम है ना वही आंसर करो ना. क्यों आप किसी उस जोन में जा रहे हैं जो आपको, इवन ये याद रखो इंटरव्यू के समय भी, फ्यूचर में कभी भी, कभी या वाइवा कोई दे रहा है, कभी भी तो टीचर को उस डायरेक्शन मतलब जहां आपको कुछ पता ही नहीं है. आपको क्यों ही है Tyndall effect? Tyndall आपको पता ही नहीं है तो क्यों आप लिए वहां पे वो एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं, जबकि अभी ये हमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ रही है. मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा बाद में. बेसिकली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सस्पेंशन. जो पहले आपको डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए सस्पेंशन की क्या है, जो मैंने आपको डिफिनेशन पहले समझो, पढ़ो इसको ध्यान से एक बार वापस पढ़ो. सस्पेंशन क्या है? ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. अभी देखो अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. अगर आपको भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन पता होना चाहिए क्या है, तभी आपको ये डिफिनेशन समझेगा. तो इस सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, दे डोंट डिसॉल्व, दे रिमेन सस्पेंडेड. और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको. जैसे अगर आप चाक है जिसे हम लिखते हैं बोर्ड में, चाक का पाउडर बना के अगर पानी में डालेंगे, उसको फिर मिलाएंगे, वो उसके साथ मिक्स कभी नहीं होगा. वो आपको इमीडिएटली दिखेगा और वो सेटल हो जाए. जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था राधा रानी ने भी, सैंड और वाटर, ये ऐसी पार्टिकल्स है जो मिक्स नहीं होते हैं दूसरे के साथ, लेकिन ये इमीडिएटली सेटल भी हो जाते हैं. इसको बोलते हैं हम बेसिकली सस्पेंशन. समझ रहे हैं आप? अदिति समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो उसका ही फिर हम एग्जाम्पल, मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए. पेंट भी उसी में आता है, मिल्क भी उसी में आता है, लाइम वाटर भी उसी में आता है, ब्लीचिंग पाउडर भी उसी में आता है. ये सब एग्जाम्पल्स. एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करनी है यहाँ पे क्या है, suspensions are formed only which is insoluble in water. जो obviously अगर वो solve होगा तो वो true solution बन जाएगा ना. तो इसलिए जो Tyndall effect जो भी दिखाता है, they are only formed at the suspension. क्या है? Suspensions are formed कब? किस कौन बनाता है? Only by those substances which are insoluble in water. अगर वो soluble हो गए तो true solution बन जाएगा ना. तो these suspension particles, however, as a precipitate, when suspension is left undisturbed, वो आराम से settle हो जाते हैं नीचे after some time. जैसे sand हो, chalk हो, या floor जो example अदिति ने डाला था image, grains and water. Yes, that is also an example, grains and water. So these all can be example. तो this is about suspension. अगर आपको समझ आ गया suspension, please type suspension, फटाफट suspension. वेरी गुड. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके हैं, व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन. ये सब डिफिनेशन पूछी जाती है आपको एग्जाम में. व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है. दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच आर आस्क्ड. व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. तो भी सॉल्यूशन है अभी, solution which is size particle lies in between the true solution. True solution ka size kya have a diameter of less than 1 nanometer. 1 nanometer is 10⁻⁹ meter. And suspension having diameter of 1 to 100 nanometer are called colloidal solutions or simply
कोलाइड्स। और सिंपली कोलाइड्स। डिफिनेशन समझ गया आपको? जैसे मिल्क, यस मिल्क को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा। इसमें भी देखो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी बहुत सारी वेरिएशंस बनेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। क्यों? कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे भी हो सकता है ना। तो देखो अभी आपको सिर्फ मिल्क दिमाग में आया, अभी इतनी एग्जाम्पल्स हैं इसकी पूछो मत। तो यहां तक समझ आ गया, वेरी गुड। देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट, सो दिस इज द ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका साइज कितना होता है वो लेस देन नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻¹⁹ मीटर। ये याद रखो, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो यहां पे जो लेफ्ट में। और सस्पेंशन क्या है? उसका साइज ग्रेटर देन क्या होता है? इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, वो सस्पेंशन हो गया। तो जो इसके बीच में साइज है 1 to 100 नैनोमीटर, उसको हम कोलाइडल बोलते हैं, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ अभी इसकी एग्जांपल्स लेट्स सी, इसके एग्जांपल्स बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी बनेंगी। जैसे आपने सॉल्यूशन का देखा था, वैसे ही कोलाइड्स का भी बहुत सारा एग्जांपल्स बनता है। ये पढ़ पा रहे हैं सब लोग? एक मिनट, हमारा देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल है। आप लोग पढ़ पा रहे हैं सब? फटाफट बताओ मुझे। ये एग्जाम्पल है हमारा डिस्पर्जन फेज का। डिस्पर्जन फेज मतलब सिंपल है फेज मतलब सोल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉलिड और सॉलिड का हो सकता है। तो सॉलिड इज एज ए क्या है? कलर, जेमस्टोन्स, मिल्क, ग्लासेस, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन है। फिर सॉलिड इन लिक्विड, तो डिस्पर्जन मीडियम आपका जो है, जो सोल्यूट सोल्यूट है वो लिक्विड है, वो स्टार्च है, गोल्ड सोल्यूशन है, मड्डी वाटर है, यू नो मड फेज सॉलिड इन लिक्विड है। फिर सॉलिड इन गैस है, स्मोक, डस्ट, ये कोलाइडल सोल्यूशन है सब। जैसे आपका मिल्क किस में आता है? मिल्क आता है लिक्विड इन लिक्विड, उसको इमल्शन भी बोलते हैं। टाइप एरोसल, फॉग, क्लाउड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सोल्यूशन के। तो सिर्फ मिल्क ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। और ऑब्वियसली अभी सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे अभी बोला था स्टार्टिंग में, किसी ने वो यूज किया था टेंडल इफेक्ट। वो कंसेप्ट क्या है बेसिकली? वो ये कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है टेंडल इफेक्ट? टेंडल इफेक्ट बोलता है, द टेंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल और सस्पेंशन इंसुलेटर। जो कोलाइड के अंदर भी पार्टिकल का साइज है कुछ, सस्पेंशन के अंदर भी है, इसलिए वो लोग लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन दे दिस इज यूज्ड इन फॉर चेकिंग आउट कि सॉल्यूशन आपका क्या है, इट्स कोलाइडल है, सस्पेंशन, उसको टेंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया आपको? हाँ बेटा, ये पीडीएफ मैं उसमें भेज दूंगा, आप बिल्कुल इसमें कोई चिंता मत कीजिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज पढ़िए, पढ़ के आइए। पढ़ के आएंगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, और मैं भी फिर आपको और इंटरेस्ट और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।